नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे किस चीज़ के ऊपर, मुंडा शासन व्यवस्था के ऊपर। सबसे पहले जो इसमें कन्फ्यूज़न होती है दोस्तों, उस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे हम लोग। जहाँ पे स्टूडेंट कन्फ्यूजन होके भूल जाते हैं और गलत आंसर मार के आ जाते हैं, ठीक है, एकदम लास्ट तक देखते रहिए। मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ाता हूँ, बट कोशिश करता हूँ कि आपका सारा फैक्ट क्लियर हो जाए। मैं फैक्ट के ऊपर जाता हूँ, ये नहीं कि जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल जाऊँ। तो आपके मुंडा शासन व्यवस्था से सारे फैक्ट क्लियर कराऊँगा। पहले कन्फ्यूजन जो होता है उस कन्फ्यूजन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, कन्फ्यूजन तीन शासन व्यवस्था पे आता है। मुंडाओं के शासन व्यवस्था का क्या नाम है? मुंडा शासन व्यवस्था, ये याद रखिए। उसके बाद उरांव, उरांव ट्राइब्स के शासन व्यवस्था का नाम है पहाड़ा पंचायत, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था, ठीक है। और हो ट्राइब्स का जो ये पंचायत व्यवस्था है उसका नाम है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो देखिए, इस तीन शासन व्यवस्था में बहुत कन्फ्यूजन होता है। कह देगा मुंडा मानकी शासन व्यवस्था किसका है, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। हो का कैसे होगा भाई, ऐसे कर दोगे, मुंडा नाम है तो मुंडा का होगा, लेकिन नहीं, ये हो का है, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में एक पहाड़ा पंचायत आएगा आपको। अब पहाड़ा पंचायत आपको अभी पढ़ते पढ़ते आएगा, तो आपको पूछेगा पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था क्या है, तो इस वर्ड की वजह से आप बोल देंगे मुंडाओं का। बिल्कुल नहीं, पहाड़ा पंचायत व्यवस्था उरांव का है, ठीक है। इस तरह करके कन्फ्यूजन होगा। यहाँ भी आपको मानकी मिलेगा, मुंडा शासन व्यवस्था में एक वर्ड मानकी मिलेगा, यहाँ भी आपको हो में मुंडा मानकी मिलेगा, तो आप बोल दोगे कि मुंडा शासन व्यवस्था किसका है, तो हो का। तो ऐसे कन्फ्यूजन ना पैदा कीजिए। मुंडा शासन व्यवस्था सिर्फ मुंडाओं का है, उरांव शासन व्यवस्था सिर्फ पहाड़ा पंचायतों का, हो शासन व्यवस्था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था हो का। मुंडा रहने से क्या होगा, ठीक है, हो में गांव के प्रधान को ही मुंडा कहते हैं, ठीक है। इस कन्फ्यूजन को आप दूर कर लीजिए और धीरे धीरे मैं अभी पढ़ाते पढ़ाते दूर करता जाऊँगा। सबसे पहले हमें अब जाना पड़ेगा मुंडा को जानने के लिए, शासन व्यवस्था को जानने के लिए हमको ये पता करना पड़ेगा ना कि शासन हुआ होगा तो राज्य भी हुआ होगा, तो राज्य जरूर होगा इसका, क्योंकि शासन व्यवस्था है। राज्य अगर नहीं रहता तो शासन व्यवस्था भी नहीं रहता। तो पहले मुंडा के बारे में इसके बैकग्राउंड जान लेते हैं, तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। मुंडा झारखंड में आकर बसने वाले सबसे पहला जनजाति मुंडा, झारखंड में आकर बसने वाले, ये मूल निवासी नहीं है झारखंड के, ये बाहर से आके बसे हैं, ये प्रमाणित है, ठीक है। उसके बाद जैसे उरांव, इस उरांव भी यहाँ के नहीं है, लेकिन उरांव मुंडा के बाद आए थे, ये आपको याद होना चाहिए। तो झारखंड में आकर बसने वाले पहले ट्राइब्स मुंडा, उसके बाद उरांव आए, बहुत आए उसके बाद, ये 32 में से चार या पांच ही यहाँ के मूल निवासी है, बाकी सब बाहर से आके बसे हैं। तो झारखंड में आकर बसने वाले पहला आदिवासी मुंडा, ये याद रखिए। फिर आए कहाँ थे भाई, तो आए थे इसके बारे में तीन विचारधारा है दोस्तों, तीन अलग अलग इतिहासकारों ने तीन अलग अलग विचारधाराएं दिया है। तो एक तरह के विचारक जो है उसको कहते हैं तिब्बत से आए थे, ठीक है। एक तरह के विचारक है जो बोलते नहीं, ये दक्षिण पश्चिम इंडिया से आए थे। दक्षिण पश्चिम इंडिया बोले तो महाराष्ट्र, गोवा, इस गुजरात, ये एरिया। और जब कैसे क्यों आए, फिर आए क्यों दक्षिण पश्चिम ऐसी इंडिया में, क्योंकि आर्यों का उधर प्रभाव बढ़ा, आर्यों के प्रभाव के वजह से इसे झारखंड में, दक्षिण पश्चिम इंडिया छोड़ के झारखंड में प्रवेश, मतलब शरण लेना पड़ा। तीसरे विचारक बोलते नहीं, ये दक्षिण पूर्वी इंडिया से आए हैं। दक्षिण पूर्वी इंडिया बोले तो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये वाला एरिया, तो उधर से आए हैं। तो बोले क्यों, जब आए उधर से तब यहाँ के लोकल जो आदिवासी थे असुरों से इसे फाइट करना पड़ा और असुरों को हराया, तब जाके झारखंड में इसको शरण मिला। अब अगला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये फिर आके क्या किए। देखिए, असुरों से फाइट किए, और देखिए इसका जो सरदार था एक, मतलब इसके जो हेड थे, मतलब लोग उसे मानते थे ऋषा मुंडा बोल के एक आदमी, ऋषा मुंडा। जब वो प्लान कर रहे थे और झारखंड में आके बस रहे थे, तो ऋषा मुंडा
ने एक देश की कल्पना की, जहाँ झार बसने लगे उस देश की कल्पना की, उस देश का नाम ये लेके चले, सोना लेकन दिशु, सोना लेकन दिशु, ठीक है, सोना लेकम दिशु, मतलब सोना मतलब गोल्ड, लेकन मतलब गोल्ड की तरह, लेकन गोल्ड की तरह देश, इस देश की कल्पना की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऋषा मुंडा मतलब सुनहला देश, इसको कह सकते हैं सुनहला देश या गोल्डन कंट्री, ठीक है। ये ऋषा मुंडा जो थे, ऋषा मुंडा के प्रयास से ही झारखंड में पहला राज्य की स्थापना हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, झारखंड में राज्य निर्माण किसने शुरू किया, किसने किसके प्रयास से हुआ, ऋषा मुंडा, ऋषा मुंडा ने एक राज्य बनाया, यही सुनहला देश के का कल्पना किया था, गोल्डन देश, उस देश का नाम दिया सूतिया नागखंड, सूतिया नागखंड, ठीक है। सारे मुंडाओं को जमा किया, सलाह मशवरा किया और सूतिया नागखंड की स्थापना की। इसी नाम से मेरा एक वीडियो मिलेगा दोस्तों, ठीक है, आगे की बात इस वीडियो में जाके देख लीजिए, सूतिया नागखंड का निर्माण कैसे हुआ उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया है, सब कुछ तो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। सूतिया नागखंड का निर्माण इसने किया, ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। सूतिया नागखंड में खुद राजा नहीं बना इसने, सूतिया पाहन को राजा बनाया, सूतिया पाहन, ठीक है, यही सूतिया पाहन से ही के नाम से ही इस देश का नाम सूतिया नागखंड देश बना। और सूतिया नागखंड में क्या होता था दोस्तों, राजतंत्र नहीं था, वो राजा नहीं होता था, यहाँ गणतंत्र था, यहाँ वोटिंग होता था, ठीक है, वोटिंग, वोट के जरिए सूतिया नागखंड की शासन व्यवस्था चलती थी। तो देखिए गणतंत्र का निर्माण हमारे देश में या हमारे झारखंड में कब हो गए हैं, देखिए कब, अभी ईसा मसीह का जन्म भी नहीं हुआ है, तब ईसा पूर्व में, और उस समय यूरोप अमेरिकन देश अभी भी नंगे रह रहे हैं, अभी भी शिकार कर रहे हैं, और हम लोगों ने राज्य बना लिया, तो ये कितनी गौरवशाली थी हमारे मुंडा शासन व्यवस्था, या हम भी इसी के एक हिस्से हैं, ऐसा नहीं है कि हम मुंडा से कहीं अलग हैं, हम भी इसी तरह के शासन व्यवस्था के हिस्से हैं। तो इस गौरवशाली इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये आपसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। सूतिया नागखंड जो बना, अब हम इस सूतिया नागखंड की शासन व्यवस्था को ही हम लोग कहते हैं मुंडा शासन व्यवस्था। सूतिया नागखंड में जो व्यवस्था था वही व्यवस्था चला आ रहा है, उसका भले धीरे धीरे डिग्रेडेशन हुआ है, डिग्रेडेशन होते होते, लेकिन फिर भी ये मुंडा शासन व्यवस्था थोड़ा बहुत बचा है, ऐसा नहीं है पूरी तरह से ख़त्म हो गया, इसका कोई संवैधानिक वैल्यू नहीं है, बट मुंडा ट्राइब्स इस व्यवस्था को मानते हैं, फॉलो करते हैं। तो अब मुंडा शासन व्यवस्था किस तरह से इन लोग शासन कर रहा था वो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड के बाद सूतिया नागखंड में जो मेन सूतिया नागखंड हुआ करता था उस समय कैसे चलती थी, उसका प्रभाव अभी भी है, उसी तरह का चलता है, बट जो ओरिजिनल होता है उस तरह तो नहीं होगा। चलिए अब मुंडा शासन व्यवस्था में मैं आपको बता देता हूँ, मुंडा शासन जब मुंडा झारखंड में आए तो झारखंड तो पूरा जंगल था, उस समय झारखंड बहुत पिछड़ा एरिया होते थे, कोई पशु भूमि, कोई पुंडरीक भूमि बोलता था, इतना पिछड़ा हुआ था कि पशु भूमि नाम दे देता था हम लोग को, जानवर का देश, क्योंकि जानवर ही ज़्यादा थे, इस वजह से पुंडरीक देश या पशु भूमि नाम पड़ा था। तो जब आए मुंडाओं ने तो क्या कि यहाँ जंगलों को काटना शुरू कर दिए, जंगल काटना, तो जंगल काट के जो जमीन बना उसी जमीन को खुटकट्टी बोलते हैं, खुटकट्टी, आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा खुटकट्टी। उसी तरह जब उरांव आए, उरांव रोहतासगढ़ से आए थे, ठीक है, रोहतास बिहार से, तो उरांव जब झारखंड में आए तो उन्होंने भी जंगल काट के जो जमीन बनाया उसको भूंहर जमीन कहते हैं, भूंहर जमीन, ठीक है, ये सब याद रखना चाहिए। ये उरांव को तो छोड़ देते हैं, जब पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था बताएंगे तब आपको भूंहर के बारे में समझा देंगे। तो खुटकट्टी मतलब समझ गए, जंगल को काट के जो जमीन खेती लायक बनाया उस जमीन को खुटकट्टी जमीन कहते थे। खूंट मतलब पूछे जाएगा, खूंट क्या होता है मुंडा शासन व्यवस्था में, खूंट मतलब परिवार, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खूंट मतलब क्या होता है, परिवार, एक परिवार के सदस्य को एक खूंट कहते थे। खुटकट्टी जमीन मतलब उस जमीन को कहते थे, और खुटकट्टी गांव, खुटकट्टी गांव,
गांव को कहते थे। गांव को क्या कहा जाता है, खुटकट्टी गांव को मुंडा शासन व्यवस्था में हाथू बोला जाता है। हाथू, आपने बहुत हाथू बोल के वर्ड सुना होगा, सोने हाथू, उली हाथू, बरियातू, ऐसे ऐसे बहुत से मुंडा गांव आपको हाथू 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 पीछे सफिक्स में आपको हाथू मिलेगा। तो खुटकट्टी गांव को हाथू कहा जाता था, ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीन चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, खुटकट्टी क्या है, खुटकट्टी ज़मीन क्या है, खूंट क्या है, और खुटकट्टी गांव क्या है। खुटकट्टी गांव को क्या कहते हैं, हाथू। बिरसा मुंडा का जन्म जैसे उली हाथू में हुआ था, तो हाथू था एक, ठीक है। तो हाथू मतलब गांव, ये मैं समझाने के लिए यहाँ आया था। तो आपने देखा होगा जैसे गांव देवता, इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आता है। आदिवासी मुंडाओं के ग्रामीण देवता क्या नाम है, हाथू बूंगा। ग्रामीण प्रधान का नाम क्या है, हाथू मुंडा, ठीक है, हाथू मुंडा। तो ये हाथू मतलब आप गांव मान लीजिए, आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी से क्लियर हो जाएंगे। और फ्यूचर में जितने वीडियो बनाऊंगा ये हाथू वाले के वर्ड से ही आपको बहुत कुछ याद करा दूंगा, ठीक है। खुटकट्टी गांव, तो इसकी शासन व्यवस्था खूंट से शुरू होती है, परिवार, ठीक है, खूंट से। बहुत सारे खूंट मिल के क्या बन रहे हैं, खूंट मिल के बहुत सारे, बहुत खूंट मतलब बहुत परिवार मिल के क्या बना दोस्तों, क्या बना, हाथू, ठीक है। हाथू मतलब गांव, वेरी गुड। बहुत सारे गांव मिल के क्या बनेंगे, पट्टी, ठीक है, पट्टी, वेरी गुड। बहुत सारे पट्टी मिल के क्या बनेंगे, पहाड़ा। और बहुत सारे पहाड़ा मिल के क्या बनेंगे, राज, ठीक है, राज, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्वेश्चन आएगा, मुंडा शासन व्यवस्था कितने स्तरीय है, ठीक है। देखिए खूंट तो छोड़ दीजिए, खूंट को तो आपको छोड़ना पड़ेगा, खूंट तो परिवार हो गया, मैं समझाने के लिए बोल दिया था। बहुत सारे खूंट मिल के बहुत सारे परिवार में हाथों में, चार स्तरीय है शासन। यहाँ भी एक शासन होगा, ये तो फैमिली मैटर है। अगर यहाँ पे कोई प्रशासन चल रहा है तो बाप बेटा को शासन कर रहा है, तो ये तो फैमिली मैटर हो गया, ये शासन व्यवस्था में तो नहीं आएगा। इसमें वो जैसे रखे अपने बेटे को, नंगा रखे या पेंट पहनाए, उसको कौन देखने जा रहा है। यहाँ से शुरू हो सकता है हाथू, एक इस एक एक लेवल, इसके बाद दूसरा लेवल पट्टी, तीसरा लेवल पहाड़ा, चौथा लेवल राज्य। तो कितने स्तरीय हो गए मुंडा शासन व्यवस्था, चार स्तरीय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर, चार स्तरीय, ठीक है। अब हाथू का हेड कौन होता है, दैट इज हाथू मुंडा, हाथू मुंडा, ठीक है। इतिहासकारों ने क्या कर दिया, उसका कलम का स्याही ज़्यादा ख़त्म ना कर दे हो जाए, इस वजह से सिर्फ मुंडा ही लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मेन नाम है इसका हाथू मुंडा। आपका चलने दीजिए पेन कलम, ख़त्म होने दीजिए पेंसिल कलम, तो आप हाथू मुंडा ही लिखिएगा। पट्टी का हेड कौन होगा, मानकी। पहाड़ा का हेड कौन होगा, पहाड़ा राजा, ठीक है। राज का हेड का क्या होगा नाम, राज, ठीक है, राजा, या कहीं कहीं इसका सरदार भी जिक्र मिलता है, राजा या सरदार, क्लियर। चार स्तरीय हो गए, चारों के हेड के नाम याद कीजिए। उसके बाद हाथू का काम क्या है भाई, हाथू देख लीजिए, हाथू जो गांव में, एक गांव में जो है गांव के शासन व्यवस्था को देखेगा, उसके परंपराओं को देखेगा, उसके शादी विवाह के रूल्स रेगुलेशन को देखेगा, जो मुंडा जाति के प्रोटोकॉल्स को देखेगा, उसका सारा काम हाथू मुंडा का ही है। हाथू मुंडा मतलब कोई भी आदमी मुंडा परंपराओं को ना तोड़े, किसी में झगड़े हो रहे हैं, उत्तराधिकारी की लड़ाई हो रही है, मारपीट हो गया, गलती से मारपीट हो गया, सब हाथू मुंडा सुलझाएगा, ठीक है। अब देखिए हाथू मुंडा, हाथू मुंडा गांव का प्रशासनिक प्रधान हो गया, इसी का सहयोगी होगा कौन, इसका हाथू मुंडा का सहयोग करने के लिए कोई होगा। हाथू मुंडा बीमार हो गया तो कौन देखेगा, हाथू मुंडा ससुराल चला गया तो, या हाथू मुंडा कहीं जा रहा है या कुछ हो गया, अचानक डेथ हो गया तो इसको मदद जो करता है वो पाहन होता है दोस्तों, पाहन। और यही पाहन क्या क्या होता है, यही पाहन से एक और क्वेश्चन आ जाता है, मुंडाओं के धार्मिक प्रधान, ठीक है, धार्मिक प्रधान पूछेगा, मुंडाओं के धार्मिक प्रधान कौन है, पाहन। प्रशासनिक प्रधान कौन है, हाथू मुंडा,
क्लियर, ठीक है। और इसका एक सही मतलब ये गांव का ये अध्यक्ष हतु मुंडा प्रेस अध्यक्ष अध्यक्ष और ये उपाध्यक्ष मान लीजिए शासन व्यवस्था में, और धार्मिक व्यवस्था में तो पहान ही अध्यक्ष है, यही हेड है, ठीक है। और इस गांव में इस इन मतलब इसके नीचे पाहन या इसके पाहन और हाथों मुंडा के नीचे एक और आदमी का नियुक्ति होता है, दैट इज कॉल्ड महतो, और इसी महतो से टाइटल हो गया। आपने कुर्मी ट्राइब्स का जो नाम सुना होगा ना महतो, बस वो उस पीछे लिखते हैं महतो, बस यही सब काम करते थे बाद में, तो इसीलिए उसका नाम महतो पड़ा। इसका काम है सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाएँ सूचना देना, ठीक है। हाथों मुंडा का जो मैसेज है वो गांव में फैलाना, गांव में जो परेशानी है जो समस्या आई है या जो झगड़ा हुआ है उसका खबर उबर लेके हाथी मुंडा तक पहुंचाना, बस यही महत्व का काम था। इधर का बात उधर, उधर का बात उधर, नारद टाइप का। तो ये हाथों मुंडा गांव के ये चर्चा हो गई दोस्तों, गांव लेवल पे चर्चा हो गई। अब पट्टी, गांव में कोई मामला नहीं सुलझे, ठीक है, गांव में कोई मामला नहीं सुलझा हाथू में, तो यहाँ कुछ आदमी होते नहीं हम हाथू के बात नहीं मानेंगे, यहाँ कोई फैसला नहीं ले पाया, तो उसको पट्टी जाना पड़ता था मानकी के पास। मानकी के पास कोई फैसला नहीं हो पाया, मानकी तो उसको पहाड़ा के पास जाना पड़ेगा, पहाड़ा के बाद जो फैसला उसका नहीं कर पाया उसको राज के पास जाना पड़ेगा, राजा, और राजा का फैसला सर्वमान्य होगा, ठीक है। मुंडा शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा पावर राजा के पास है या सरदार के पास है, उसका मान्य होगा। और मुंडा शासन व्यवस्था में एक चीज़ गौर करने वाली बात है दोस्तों, ये पट्टी कहीं कहीं नहीं मिलते हैं, ये पट्टी नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट हाथों के बाद पहाड़ा भी पहाड़ा आता है, कहीं कहीं पट्टी नहीं होते हैं, बीच का जो बैरियर पट्टी है जो बीच का एक स्तर है पट्टी नहीं होते हैं। तो जहाँ ये नहीं होते हैं, जहाँ ये पट्टी नहीं होते हैं, वहाँ पहाड़ा का मालिक को पहाड़ा राजा नहीं बोला जाता, वहाँ पे मानकी बोला जाता है, ठीक है। तब तीन स्तरीय हो जाएगा, हाथू या हाथू मुंडा, मानकी और राजा, ठीक है। बीच में ये पट्टी नहीं आएंगे, ये पट्टी जो मानकी पोर्टफोलियो है वो पहाड़ा के पास चला जाएगा, ये है। इसीलिए पट्टी बहुत जगह पे नहीं मिलता है ये, ठीक है। इसीलिए पहाड़ा फिर तो ये पूछा जाएगा पहाड़ा किस कैसे बनता है। देखिए पहाड़ा जो बनता है, पहले जब आबादी बहुत कम थी तब 12 गांव मिलके पहाड़ा बनता था, आजकल तो आदिवासी मतलब आज तक तो जनसंख्या जो है वो तो थोक थोक भाव से हो रहा है, तो आजकल के पहाड़ा 20 गांव से बन रहे हैं, ठीक है। उस समय 12 गांव में पहले 12 गांव मिला के बनते थे, आजकल 20 गांव मिला के पहाड़ा बन रहे हैं ड्यू टू आदिवासी। तो हम लोग पट्टी ज़्यादा यहाँ इम्पोर्टेंट नहीं है और पट्टी के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, तो हम सीधे पहाड़ा के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पहाड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट है पहाड़ा, इसी से क्वेश्चन आएगा। पहाड़ा का पहाड़ा में जो पंचायत होगा उसको पहाड़ा पंचायत कहा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसका ये कौन होगा, हेड कौन है, पहाड़ा राजा, ये पहाड़ा राजा हेड है। इसको मदद करने के लिए तीन ऑफिसर टाइप होंगे, ठीक है, ये पांच होंगे, ठीक है। पहला होगा दीवान, दूसरा होगा ठाकुर, तीसरा होगा पांडे, यही पांडे गणपत राय सुने होंगे नाम, यही पांडे गणपत राय थे, करता और लाल, ठीक है। ये पांच ऑफिसर काम करेंगे, पहाड़ा राजा का सहयोगी ये पांच होंगे। यहाँ गौर करने की बात है, ये पांचों वंशानुगत थे, ठीक है, वंशानुगत पद था, नुगत पद है, मतलब दीवान का मर जाएगा दीवान का बेटा बनेगा, ठाकुर मर जाएगा ठाकुर का बेटा बनेगा, मतलब इन लोग वंशानुगत थे। लेकिन ये हाथू मुंडा, लेकिन हाथू मुंडा न मानकी न पहाड़ा राजा न राजा, ये कोई भी पद वंशानुगत नहीं थे, ये सारे इलेक्शन वोटिंग से चुने जाते थे, वोटिंग से। फिर से मैं बोल रहा, हाथू मुंडा मानकी पहाड़ा राजा या राजा, कोई भी वंशानुगत पद नहीं थे, वोटिंग से चुना जाता था, इसीलिए इसे मुंडा शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक कहा जाता है। और ना ही कोई
टैक्स कलेक्शन करता था, नो टैक्स, इन लोग को नो टैक्स, नो पेमेंट, कोई पेमेंट नहीं मिलता था, ठीक है। इसीलिए इसको सहकारी व्यवस्था भी कह सकते हैं, मुंडा शासन व्यवस्था सहकारी व्यवस्था थी, व्यवस्था थी, ठीक है, नौ की राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था नहीं है, राज्य व्यवस्था नौ की राज्य व्यवस्था, और ना ही, और ना ही सहकारी व्यवस्था थी, नौ की राज्य व्यवस्था नहीं था, सहकारी व्यवस्था था। सहकारी मतलब आपसी सहयोग, आपने सुना होगा सहकारी बैंक, सहकारी सुरक्षा, सहकारी काम, मतलब आपसी सहयोग से जो चीज चलती है उसको सहकारी कहते हैं। सह मतलब साथ, साथ में जो काम होता है, साथ में मिलजुल के, तेरा भी थोड़ा फायदा मेरा भी फायदा, उसको सहकारी काम करते हैं। ये राज्य व्यवस्था नहीं थी, तो ये सहकारी व्यवस्था भी कह सकते हो मुंडा मान की शासन व्यवस्था को, और गणतंत्रात्मक भी कह सकते हो। गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक मतलब वोटिंग से चुना जाता है, जैसे अभी हम लोग वोटिंग से चुनते हैं, जितने भी थे हाथू मुंडा मान की पहाड़ा राजा राजा सबको वोटिंग से वहाँ के मुंडा लोग चुनते थे। जो पहाड़ा राजा के पांच सहयोगी थे उनके बारे में, इस पहाड़ा राजा जो काम करते थे इस पांचों के मदद लेके काम करते थे, अकेला आदमी कर सकता है क्या, ठीक है। ये सब जो थे वंशागुणत थे तो इनके पेमेंट भी मिलते थे, लेकिन उन लोगों के पेमेंट नहीं होती थी, ठीक है। दीवान ठाकुर, देखिए पहाड़ा राजा के बाद, देखिए ये पहाड़ा राजा अगर प्रेसिडेंट है तो ये वाइस प्रेसिडेंट है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। जब पहाड़ा राजा बीमार हो जाएगा तो ठाकुर ही सब काम संभालेगा उसका, ये वाइस प्रेसिडेंट मतलब उसके बाद सबसे बड़ा पोस्ट ये था ठाकुर, ठीक है। उसके बाद दीवान, दीवान मंत्री था दोस्तों, ठीक है, मंत्री सारे नियम कानून सब यही बनाता था दीवान, ठीक है। दो तरह का दीवान, दीवान एक नहीं होते थे, दो दीवान होते थे, इसकी संख्या दो होती थी, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक दीवान को कहा जाता था गढ़ दीवान, गढ़ दीवान, एक दीवान को राज दीवान, ठीक है। गढ़ दीवान का काम था गढ़ का शासन व्यवस्था के बारे में कानून बनाना, पॉलिसी बनाना, मतलब गांव के भीतर ही, मतलब ये होम मिनिस्टर, और राज दीवान जो है गांव के बाहर की सारे चीज़ों को देखता था, उसके बारे में नियम बनाता था। राज दीवान को कह सकते हो विदेश मंत्री, ठीक है, विदेश मंत्री कह सकते हैं आप, क्लियर, ये दोनों का क्लियर। और हाँ, दोनों दीवानों के नीचे, दोनों दीवानों के नीचे एक पोस्ट होता था जिसका नाम था बरकंदाज, बरकंदाज, बरकंदाज मतलब आज भी आप जाएंगे तो उसका मतलब सिपाही होता है, ठीक है, सिपाही। तो बरकंदाज का काम क्या था, मैसेज, मैसेंजर था ये, मैसेज, लोगों का मैसेज दीवान तक पहुंचाना, दीवान का मैसेज लोगों तक पहुंचाना, ठीक है, ये मैसेंजर थे, मैसेंजर का काम करते थे बरकंदाज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बरकंदाज का पोस्ट क्या काम करता था मुंडा शासन व्यवस्था में, वो मैसेंजर था। उसके पांडे, पांडे डॉक्यूमेंट का काम करता था, डॉक्यूमेंट देखता था, जमीन का कागजात हो गया, जितने भी कागज है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स का चीज़ है वो देखते थे पांडे, डॉक्यूमेंट्स का काम करता था। कर्ता, कर्ता क्या होता था, जो पहाड़ा पंचायत का मीटिंग होता था, लोग आते थे तो उस लोगों को कंट्रोल करते थे, उस मीटिंग को कंट्रोल करने का काम था, ठीक है, मीटिंग में अनुशासन बनाए रखना, ये काम था उसका, ये नहीं कह के यहीं पे मारपीट करने लगे, मीटिंग में अनुशासन का काम करता था कर्ता। कर्ता का एक और नाम है दोस्तों, इसको दारोगा भी कहा जाता है, ठीक है, कॉन्फ्यूज मत हो जाएगा, दारोगा और कर्ता एक ही चीज़ है, ठीक है। और फिर कॉन्फ्यूज यहाँ सिपाही और दारोगा में मत कर जाइएगा, क्योंकि एक ही टाइप का दोनों ड्रेस पहनता है, अलग अलग रैंक होता है ना दोनों का। उसके बाद होता है लाल, लाल वकील को कहते थे वकील, ठीक है, दो दो गुटों में झगड़ा हुआ है तो दोनों गुट अपना अपना वकील लाएगा, अपना अपना लाल लाएगा, तो लाल तीन तरह के होते थे, बड़ लाल, छोट लाल, मझ लाल, मंझला लाल, मझ लाल और छोट लाल, छोट लाल, बहुत आदमी का नाम होता है छोट लाल, ठीक है, बड़ लाल और मझलाल आज तक तो सुना नहीं होना, छोट लाल बहुत सुना हो नाम, तो ये सब मतलब वो वकील का रैंकिंग था, ये छोटा वकील, बड़ा वकील, मंझला वकील, इस तरह का। तो ये इस तरह से शासन व्यवस्था सबकी चलती थी। अब एक क्वेश्चन आता था कि भाई ये मीटिंग जो होती थी कहाँ होती थी, मीटिंग कहाँ होगी, मीटिंग प्लेस क्या होता था शासन व्यवस्था में, तो मीटिंग प्लेस के लिए आपको जानना पड़ेगा दोस्तों,
मुंडाओं में तीन बहुत पवित्र जगह माना जाता है, मुंडाओं की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और आप जाने तीन स्थल मुंडाओं को याद ही रखिए, तीन स्थल को बहुत पवित्र मानते हैं इन लोग और तीन स्थल हर एक हाथों में तीनों मिलेंगे ही मिलेंगे। एक सरना स्थल, सरना स्थल मतलब हिंदी में इसको सरना मतलब पूजा स्थल 100% मिलेंगे जहाँ इसके देवता निवास करते हैं। दूसरा अखाड़ा, अखाड़ा अखाड़ा जहाँ पे मीटिंग होती है, ठीक है, मीटिंग जहाँ पे पंचायत होती है, मीटिंग पंचायत नाच गान इंटरटेनमेंट जो चीज़ें होती है अखाड़ा में ही होगी, ठीक है। एक होती है शासन, शासन इसको भी इन लोग बहुत पूजा मतलब पवित्र मानते हैं, बहुत मतलब होगा ही होगा, हर एक हाथों में ये तीन चीज़ आपको मिलेंगे ही, ठीक है। शासन क्या होता है, शमशान घाट, इन लोग शमशान घाट और इनके शमशान घाट में जहाँ पे लोगों को इन लोग क्रियाकर्म करते हैं वहाँ पे एक पत्थर रख देते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पत्थर शिला एक पत्थर रख देते हैं, उस पत्थर को बहुत पवित्र मानते हैं मुंडा लोगों को। तो ये पत्थर रखने की परंपरा को शासनगिरी कहते हैं, शासनदीरी, शासनदीरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शासनदीरी मतलब क्या हो, किस ट्राइब्स में मिलते हैं शासनदीरी, मुंडा ट्राइब से मिलते हैं, दीरी मतलब पत्थर होता है दोस्तों और कुछ नहीं, ठीक है। शासन दीरी, शासन का पत्थर, हर एक अपने पूर्वजों के पास जहाँ क्रियाकर्म हुआ है उनके अंतिम संस्कार वहाँ पे एक पत्थर मिलेंगे शासन में। तो आप देख के बता दीजिएगा मीटिंग कहाँ होगा, अखाड़ा में होगा मीटिंग, ठीक है। शासन व्यवस्था का जो मीटिंग होगा वो अखाड़ा में होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड। इन लोगों का अखाड़ा में ही इन लोग का गीति ओड़ा बोल के, गीती ओड़ा बोल के युवागृह भी होते हैं दोस्तों, वही अखाड़ा में ही होते हैं, ठीक है। तो इतनी गौरवशाली इतिहास है हमारी, हमारे पूर्वजों की, कितनी अच्छी हम शासन व्यवस्था हम लोगों ने गणतंत्रात्मक कब का बना दिया है, जब दुनिया नंगे रहते थे तब। तो मुंडा शासन व्यवस्था ख़त्म हो रहा है मेरे साइड से, अब अपने साइड से आप लोग ख़त्म कर लीजिए दोबारा वीडियो देख के, एक बार में नहीं होगा, ये सब बहुत टिपिकल है। मेरे ख्याल से आप लोगों को याद हो गया होगा दोस्तों, अगला वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, किसका, मुंडा मान की शासन व्यवस्था हो ट्राइब्स का और पहाड़ा शासन व्यवस्था उरांव ट्राइब्स का, फिर डोकलो सोहर खड़िया ट्राइब्स का, फिर माझी शासन व्यवस्था संथाल ट्राइब्स का, फिर नागवंशियों की शासन व्यवस्था, बहुत सारे शासन व्यवस्था इसी तरह बनाते रहूँ। तीनों देख लीजिए, बहुत कन्फ्यूजन है मुंडा मान की पहाड़ा पंचायत और मुंडा शासन व्यवस्था में, कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। यही इकलौता है तो चार स्तरीय है, बाकी दो स्तरीय तीन स्तरीय ऐसे ही मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन तो जरूर दबा लीजिए गुरु। चलिए बाय।